एज़ रेडर ऋतिक कोट नंबर दो पर काफी सेफ होकर खेल रहे थे और ये डू और डाई रेड है। सुपर टैकल ऑन भी है साथ में। तीस सेकंड के दायरे में ये काम अंजाम तक पहुंचाना है और आउट ऑफ लॉबी। हेलो हेलो, मैं पप्पू भाई पगड़ी वालों से निवेदन करूंगा कि आप आलोक त्रिपाठी जी को पगड़ी पहनाने का कष्ट करें और हमारे उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विद्यार्थी जी से निवेदन कि आप उनको स्मृति चिन्ह करने का कष्ट करें। श्री विद्यार्थी जी, और साथ में डॉक्टर जितेंद्र जी, इधर से भी डोड आई है गोवा की तरफ से, आपने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, डिफेंडर इज आउट। थ्री नंबर प्लेयर्स, थ्री नंबर प्लेयर विल गो आउट। बहुत ही बढ़िया भाई, बचकर निकलना चाह रहे थे लेकिन जंप को इनके कामयाब नहीं होने दिया डिफेंडरों की मुस्तैदी और जिम्मेदारी ने यहाँ पर रेडर को टैकल कर लिया। तो जल्दी जल्दी दो झटके लगे उत्तराखंड को। बहुत बढ़िया, उत्तराखंड की टीम ने शुरुआत तो बढ़िया दी थी लेकिन बाद में आकर के थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन शुरू कर दिया जिसकी वजह से बार बार या तो टैकल हो रहे हैं या विपक्षी टीम को रेड पॉइंट दे रहे हैं। वैसे ज्यादा पीछे तो है नहीं, चार पांच है स्कोर, तो चार छह माफ कीजिए, गोवा की टीम के पास दो अंकों का एडवांटेज है। हेलो, श्री सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी आसाम से हमारे बीच उपस्थित हैं, जम्मू कश्मीर से। पप्पू भाई से निवेदन कि वे उन्हें पगड़ी पहनाने का कष्ट करें। और भाई ये पारंपरिक पगड़ी, मेरा निवेदन संबंधित अध्यक्ष विद्यार्थी जी से कि आप उन्हें मोमेंटो देने का कष्ट करें। दो ढाई रेड है ये कोर्ट नंबर दो पे। बहुत ही बढ़िया और मजबूत प्रदर्शन कर रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ गोवा टीम ऑन कोर्ट नंबर टू। वेरी गुड, सक्सेसफुली एंकल होल्ड एंड वन पॉइंट टेकन बाय गोवा। स्कोर विद दिस पॉइंट 8-4। आसाम एंड हरियाणा प्लेइंग ऑन कोर्ट नंबर 3। शाम का मेनू ले लो।
वेरी गुड दिस बेनिफिशियल पॉइंट एट ज्वाइंट इन स्कोर ऑफ गोवा विद दिस पॉइंट टोटल स्कोर 12 उत्तराखंड टीम होस्ट टीम है उधर कोर्ट नंबर 3 पर हरियाणा की टीम ने असम की टीम को एक भी अंक बनाने की अभी तक अनुमति नहीं दी है 15 के जवाब में 0 है भी असम ऑन कोर्ट नंबर 3 असम टीम इज ऑन 0 हरियाणा ऑन 15 वेरी गुड All defenders of Haryana tackled to radar. On court number 2, do and die. Do or die. इसी तरह से घाटे की पूर्ति हो सकती है उत्तराखंड की टीम इधर से भी do or die. Court number 2 पर do or die. वेरी गुड फुटवर्क यहाँ पर एक और गलती करने के लिए मजबूर कर दिया उत्तराखंड को पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर टीम वो भी है जो हमेशा गर्मी वाली जलवायु में रहते हैं और यहाँ पर वो भी टीम है जो हमेशा सर्दी वाली जलवायु में रहते हैं तो अलग अलग मौसम अलग अलग जलवायु के लोग हैं लेकिन यहाँ आने के बाद हम सब भारतीय हैं वी ऑल आर इंडियंस on this platform different languages different climates but we are all one hum sab ek hai iske bawajood bhi धीरे धीरे उत्तराखंड की टीम अब सही प्लेटफार्म पर आती जा रही है क्योंकि इनकी गाड़ी पटरी से उतर गई थी और यहां पर मेरी बात खत्म होने से पहले गोवा की टीम ने 2 पॉइंट और अर्जित करके उत्तराखंड की टीम को थोड़ा सा और दूर कर दिया कोई बात नहीं वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे उत्तराखंड को अपनी गाड़ी को कम से कम 5वें गियर में लगाना पड़ेगा लेकिन लोबी से संपर्क तोड़े भाई बहुत ही अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है गोवा की वन पॉइंट
आसाम का पहला पॉइंट। अगर इस मैच को उत्तराखंड की मेजबान टीम गंवा देती है तो ये मेजबानी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। पर सुपर एट में अंतिम चार में फाइनल में जगह बनाने के लिए जितनी ज्यादा जीत होंगी उतना ही बेहतर रहेगा। आगे जाके तो नॉकआउट हो जाएगा ये, अभी मेरे ख्याल से लीग चल रही होगी। ऑल मैच इज बेस्ट ऑन लीग। लीड ऑफ 7 points इन फेवर ऑफ गोवा ऑन कोर्ट नंबर 2। ऑन कोर्ट नंबर 1 दिया। अमित भाई एक अंक और अर्जित किया, 1 point taken with hard work by Goa। After the 3 matches, half hour break will held. After 30 minutes, all matches will start once again. इन तीनों मैचों के बाद आधे घंटे का ब्रेक घोषित किया गया था, उसके बाद फिर मैच शुरू हो जाएंगे। डो एंड आई ऑन कोर्ट नंबर 2, 9 नंबर प्लेयर। वेरी गुड सक्सेसफुल टैकल चैन एंड लिंक ऑफ दिस चैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो नो चांस टू रिकवरी टू रेडर। बहुत बढ़िया भाई, ये तो कहा जाए कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है गोवा की टीम ने, तो बिल्कुल अतिशोक्ति नहीं होगी। जिस अंदाज में इनके रेडर को टैकल किया था उसी अंदाज में उन्होंने किया। देखते हैं अपना गौरव, अपना सम्मान, अपने मेजबान होने का सबूत उत्तराखंड की टीम दे पाती है या नहीं। आदि टेम्परेचर हाई, अपना बेशकीमती वक्त और अपना बहुत ही बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालकर यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने शोभा बढ़ाई, इसके लिए ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। खुशबू फूलों की कभी कम नहीं होगी और मोहब्बत जिंदगी में कभी कम नहीं होगी। अगर मेहमान आप जैसा हो महफिल में तो महफिल किसी जन्नत से कम नहीं होगी। भाई बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूं? इधर कोर्ट नंबर 3 की बात की जाए तो असम की टीम पूरी तरह सिंगल डिजिट में ही संघर्ष कर रही है। अभी तक 5 नहीं बने, 4 ही बने हैं और 24 के जवाब में। हरियाणा की टीम ने एक अंक और लेकर अपने स्कोर को 24 से 25 कर लिया और असम की टीम लगातार हरियाणा के सामने संघर्ष कर रही है। इधर कोर्ट नंबर, हेलो कोर्ट नंबर 1 की बात की जाए तो इधर भी जमीन आसमान का फर्क है, 1 के 19 है, 1 का 1 ही है बस। आई
अगर सबसे कौन होगा रोमांचक समय है तो कोर्ट नंबर दो का ही मैच है जो उत्तराखंड की टीम ने थोड़ा सा शिकंजा मजबूत कस रखा है गोवा के खिलाफ और अक्सर होता भी सही है पहले हाफ में जो टीम पीछे चलती हुई होती है थोड़ा सा वो दूसरे हाफ में आगे निकल जाती है ज्यादातर मौकों पर उत्तराखंड की टीम को किसी भी सूरत में वापस आना पड़ेगा और उनके पास खुले विकल्प हैं भी और पूरा समय है पर्याप्त समय है टाइम इज सफिशिएंट फॉर उत्तराखंड रेड फ्रॉम गोवा स्कोर इज 24-14 24 इन फेवर ऑफ गोवा एंड 14 इन फेवर ऑफ उत्तराखंड वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर फ्रॉम उत्तराखंड साइड आवाज बेटे दो और डाई ऑन कोर्ट नंबर टू दो हजार 2014 में ये डो और डाई जैसा नियम कबड्डी में शामिल किया गया दिस रूल ऑफ डो एंड डाई इंक्लूड इन कबड्डी फ्रॉम 2014 एंड दिस इज डो और डाई वंस अगेन फ्रॉम द साइड ऑफ उत्तराखंड वेरी गुड सक्सेसफुल टैकल टू रेडर वंस अगेन एंड वन पॉइंट इंक्लूड इन स्कोर ऑफ गोवा पहले हाफ वाले प्रदर्शन की पुनरावृत्ति ही अगर करती है उत्तराखंड की टीम तो गोवा से आगे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो जाएगा धन्यवाद अभी अभी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं तेजस्वी गहलोत जी अध्यक्ष राजस्थान कबड्डी एसोसिएशन पार्था गांगुली जी पश्चिम बंगाल और रूपक जी अध्यक्ष त्रिपुरा मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं Yeah,